हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा भाई कि हम वैष्णो देवी गए थे और हमने माता रानी के दर्शन करे थे, और वैष्णो देवी से हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। तो अभी मैं अपने घर तो नहीं पहुँचा हूँ गाइस, अभी तो हम रोहतक में हैं। अभी हमने अलावत को ड्रॉप कर दिया है। मतलब अब आप कहोगे कि आप जाने को तो डायरेक्ट भी जा सकते थे यहाँ से अपना KMP पकड़ के, आप यहाँ पे रोहतक अंदर सिटी में क्यों घुसे? तो भाई मेरा ना एक्चुअली लैपटॉप रह गया था अलावत के पास, तो मुझे वो लेना था। तो अब वो लेके मैंने अब संदीप भाई और जो यश भाई हैं मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ फरीदाबाद। तो ये है भाई, बाकी अभी ये अब इन रोड्स की तो क्या ही बात करें, अब तो अपने हरियाणा में ही घूम रहे हैं भाई। यहाँ पे अच्छी रोड्स बनाई हुई हैं हरियाणा ने ना, लेकिन भाई ये जो रोड्स हैं ना, मतलब ये मतलब आपके 1:30-2 बजे वाली नहीं है ये रोड्स। मतलब ये थोड़ी सेफ नहीं रहती उन टाइमों पर ना। तो अभी तो जैसे सुबह के 4:30 हो रहे हैं, गाँव में उठ जाते हैं लोग और 5 बजे तो मतलब अपना खेतों वेतों में चले जाते हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो ये है, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने बादरगढ़ वाला रूट पकड़ लिया है। बाकी संदीप भाई मेरे साइड में बैठे हैं। भाई कैसे हो? और भाई ट्रिप वैसे एक नंबर रहा भाई, बहुत मज़ा आया यज्ञ भाई के साथ। भाई बहुत फनी इंसान है, बिल्कुल दिल के बहुत अच्छे इंसान है। तो भाई मेरा ट्रिप बिल्कुल बेस्ट रहा भाई के साथ, और नेक्स्ट ट्रिप भी जल्दी बनेगा। जल्दी बन ही रहा है, अब हम बात ही कर रहे थे उस बारे में। तो ये है भाई, बाकी पीछे तुषार और यश भाई तो सो रहे हैं, तो उनको सोने ही देते हैं। जब गाइस आपके लिए सस्पेंस, आप हम नई गाड़ी से जाने वाले, वो आप कमेंट्स करके बताना कौन सी गाड़ी से जाएंगे हम। वो रिवील नहीं कर रहे कि हम कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। अभी ये देखो गाइस, ये बंदा, ये ट्रक है भाई, ये बस है, ये ट्रक है भाई, ट्रक है। अभी रॉन्ग साइड आ रहा है, बताओ। ऐसे में बेचारा टू व्हीलर वाला तो घबरा ही जाएगा, ऐसे ही होते हैं एक्सीडेंट्स ना। अब ये है तो पूरा हाईवे, लेकिन ये क्यों आ रहा था पता नहीं भाई इन लोगों का। तो अभी तो हम सीधा सीधा चल रहे हैं भाई, और पीछे वो दोनों सो रहे हैं, तो उन लोगों को अभी डिस्टर्ब नहीं करते। अभी हम दोनों ही भाई आपस में बातें कर रहे थे, तो वो हम कंटिन्यू करते हैं भाई। और अब आप लोगों को मिलता हूँ मैं जब उजाला हो जाएगा ना थोड़ा। अभी तो देखो जैसे 4:34 हो रहे हैं, तो अभी तो सूरज भी नहीं है। थोड़ा एवरेज के बारे में बता दो गाड़ी। बाकी हाँ भाई, एवरेज दिखा तो ये 14.1 की रही है, लेकिन इसने मेरे हिसाब से कितनी दी होगी भाई ट्रिप पे? इससे तो भाई पहाड़ की और यहाँ की मिला के होगी 11:30-11:30 की ना। तो MID गलत दिखा रही है, लेकिन आप वाली में कंफर्ट ज्यादा है ना भाई। हाँ भाई, बट भाई ये गाड़ी ना कहीं चढ़ने से हार नहीं मानती, इतनी पावर दे रहा है इनके अंदर। बस जो मेन दिक्कत है ना, टायर छोटे हैं यार ये। अगर टायर बड़े दे देंगे फिर सस्पेंस खराब हो जाएगा, मतलब वो मजा नहीं आएगा जो आप फील है। फॉर्च्यूनर भी तो बेचनी है ना भाई ने, तो ये बात है। बाकी तो मिलता हूँ भाई आपसे थोड़ी देर में। पहले मैंने ना इसमें तेल डलवाया था, कितने 1000 रुपए का, 11 लीटर तेल आया था इसमें, 900 कुछ रुपए का। तो 100 कितनी रेंज थी भाई, 143 रेंज आई थी जब जब ये डला था, और उसके बाद हम कितना ही चले होंगे, ये 111 होगी भाई। भाई क्या दो शब्द आपके भाई, अब इतने बड़े घोड़े पाल तो लेते हैं, बट यही है इनकी रेंज भी यार, मन भी टूटता है यहाँ पे। मन ज्यादा जब टूटता है जब ये गलत दिखा रही होती है, एवरेज नहीं दे रही गाड़ी यार अपना। तो जितना जोर भी नहीं पड़ता कि भाई एवरेज बिल्कुल कम दे रही है, मजे भी है गाड़ी के, मजे तो नहीं भाई, बट भाई है भाई, सही कह रहे हो भाई। लोकल में इतनी वो नहीं है इसका, कोई दिल टूट जाता। 1000 मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं, मायने रखते हैं भाई 1000 रुपए, ये है भाई। बाकी मजा जैसे भाई ने कहा पूरा है कि देखो अंजा दबाती चलती चली जाती है, रुकती नहीं है। तो भागने में तो पूरे सौदा है ये, लेकिन उसको भगाने का भी क्या फायदा जो भाई एवरेज ना दे। चीजें ले तो लेते हैं, बट उनके जो खर्चे होते हैं ना वो नहीं पूर्ति होती भाई। डीजल ले तो लेती है पब्लिक, जब एवरेज नहीं मिलती ना जब बैठती है। पेट्रोल का भी यही सीन भाई, पेट्रोल का तो ज्यादा ही है भाई। संदीप भाई को छोड़ दिया है, यश भाई को छोड़ दिया था, यश भाई क्लिप नहीं बनाई। संदीप भाई को करते हैं बाय बाय और फिर चलते आगे की तरफ। तो गाइस संदीप भाई को तो छोड़ दिया, और संदीप भाई की सीट पर आ गए अपने तुषार भाई जो पीछे सो रहे थे आराम से। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये है भाई, आपने इसकी वीडियो देख ली होगी जो मैंने स्क्रीन पर डाली है। इसे कुछ नहीं पता कौन सी वीडियो क्या वीडियो। तो भाई हम दोबारा पहाड़ों में आ गए। भाई ये पहाड़ पीछे क्यों नहीं चढ़ रहे, छिक लिए भाई। पर भाई ये पहाड़ कुछ नहीं है, ये तो नकली है, नकली।
ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो भाई आदत होगी, 10 दिन लद्दाख के पहाड़ देख के ना बड़े बड़े। हाँ। यहाँ पे तो 180 वीडियो भी चला सकते हैं। सही बात है, ये है भाई। बाकी चल रहे हैं अब हम अपने, एक बार मैं चूहे के पास जा रहा हूँ, वो कह रहा था मेरे पास आजा मिलना है मेरे को, बहुत दिन हो गए थे भाई उससे भी नहीं मिला था मैं, तो फिर मैंने कहा चल उसके पास ही चलते हैं, चूहे से भी मिलवाऊंगा आपको। क्या कर रहा है देखो, सुबह 6:45 हो रहे हैं, मैं उसके पास 7:30-8:15 तक पहुँचूंगा, क्योंकि देखो इतना टाइम तो मुझे भी लगेगा, तो मैं दिखाऊँगा वो कर क्या रहा होगा, सो के भी उठा होगा या नहीं, कुछ तो पक्का कुछ कर ही रहा होगा वो बंदा, वो शांत तो बैठने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा भाई वो, मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ खा रहा होगा या तो। चल रहे हैं भाई। बाकी ये देखो, ये हैं गुड़गांव के पहाड़, फरीदाबाद के नकली पहाड़ हैं ये, मतलब पहाड़ी वाला रास्ता कहते हैं इसको, जब आप गुड़गांव से फरीदाबाद आते हो ना तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हो, हालांकि रास्ते दो और भी हैं लेकिन आप इससे भी आ सकते हो, यही ठीक माना जाता है ये पहाड़ी वाला रास्ता। ना रात का है ही नहीं भाई ये रास्ता, नहीं है रात का, नहीं नहीं है ही नहीं है रात का रास्ता भाई, ये दिन दिन का रास्ता है। तो ये है भाई, बाकी चलते जा रहे हैं, और भाई अपनी गाड़ी देख लो कितने किलोमीटर चल चुकी है, 3,25,28, 3,500 किलोमीटर चल गई भाई ये, नहीं 3,252 किलोमीटर चल चुकी है भाई अपनी गाड़ी, तो भाई 3,200 यानी कि 3,000+ किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी इस ट्रिप पे, और घर जाते जाते 33 हो जाएगी ये, हाँ घर जाते जाते 33 हो जाएगी, तो 3,300 पूरी हो जाएगी भाई। तो ये है भाई, बाकी तो बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उसकी, तो हम एक लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम खर्चों की बात करेंगे। गाइस देखो चीता, मैंने आपको कहा था ना जरूर कुछ ना कुछ कर रहा हो, या तो सो रहा हो या कुछ कर रहा होगा, तो ये सो रहा था भाई। टाइम ही क्या हुआ था, जब आया था सात बज रहे थे जिस टाइम तू आया, 8:30 हो गए। हाँ और बता कैसा है, मिस करा मेरे को 10 दिन कुछ ज्यादा मिस करा, सीन हो रखा सीन, तो भाई जनता जानेगी बाद में। हाँ बाकी भाई को भी चीज होगी पता चलेगी, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, आप लोग वो करोगे बिना बोले, ये बात है। बाकी कहाँ गया, ओए देख इधर इसके भी उठा दो सीधे बैठ के ले लेना। ना वो तो सिर्फ तेरे से ही लूंगा। ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं, ओके ब्रो, मिल आता हूँ 1.5 घंटे में, ठीक है। तो दो पंगा पैर हो गए। हाँ तो भाई वो चीज़ें बाद की बात है, अभी तो अभी भाई से मिलने आया था, मन मेरा भी नहीं लग रहा था, 10-11 दिन इससे दूर रहा मैं। ठीक है चल बाय बोल दे। तुषार को भी मैंने छोड़ दिया और मैं भी अब जा रहा हूँ घर, अभी तुषार के घर से निकल रहे हैं, निकला हूँ मैं बस तुषार के घर से जस्ट, और अब अपने घर जा रहा हूँ। तो भाई ट्रिप बहुत ही अच्छी रही, आप सबकी ब्लेसिंग से, हमारे मम्मी पापा की ब्लेसिंग से, भगवान जी की कृपा से हम सारे बिल्कुल ठीक ठाक आ गए हैं भाई, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है किसी भी गाड़ी को, 2 गाड़ियां गई थी दोनों ठीक ठाक आ गई हैं, परफॉर्मेंस भी दोनों गाड़ियों की बहुत ही बढ़िया थी, लाजवाब, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है भाई। बाकी ये देखो इन्हें दिख रहा है कि नहीं निकलेगी, फिर भी आराम आराम से चलते हैं। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई दोनों ही गाड़ियों की, और दिल खुश हो गया और हम बिल्कुल ठीक ठाक आ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए सीरीज़ को, इससे जो पहले की सीरीज़ हैं उन पे भी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया भाई, और ये सीरीज़ यहीं पे एंड होती है, अब इसका लद्दाख ट्रिप का कोई भी पार्ट आगे नहीं आएगा भाई। सच बताऊँ ना तो यहाँ पे अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है गुड़गांव में ना, 40 डिग्री टेम्परेचर में और गुड़गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है भाई, मन कर रहा है लद्दाख ही चले जाएँ वापस, इतना ठंडा ठंडा मौसम रहता था सब। बाकी ये देखो भाई, ये कुछ गाड़ी की हालत हो रखी है, पूरी की पूरी गंदी हो रखी है भाई गाड़ी, तो कोई नहीं भाई इसको साफ़ करवाएंगे, और बजट की बात करेंगे अगली वीडियो में, तो साफ़ और बजट की वीडियो एक ही बना दूंगा मैं जब इसको साफ़ करवा रहे होंगे और बजट जब करवा रहे होंगे अपना। तो यही कुछ वीडियो थी भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।